नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज के ऑटो न्यूज़ के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑटो न्यूज़। पोर्श ने अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के सिलसिले में रिमेक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का ख्याल जताया है। भारतीय बाजारों में BMW 630D लॉन्च होने की जल्द ही संभावनाएं दिख रही है। मित्सुबिशी लॉन्च करने जा रहे हैं अपने आउटलैंडर भारतीय बाजारों में। ऑडी अपनी Q5 का पेट्रोल वेरिएंट जल्द ही भारतीय बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। और KTM ने अपने RC200 में एक नया कलर वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं खबरों को विस्तार से जानने के लिए। तो दोस्तों, जर्मन कार निर्माता ने क्रोएशियाई हाइपर इलेक्ट्रिक कार निर्माता रिमेक में अपनी 10% हिस्सेदारी खरीद ली है और यह दोनों कंपनी एक साथ काम करके अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी से नई नई कार का निर्माण करेगी। और पोर्श कंपनी अपने आने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में रिमेक कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है। और यह रिमेक कंपनी अपनी इलेक्ट्रो व्हीकल पावर ट्रेन बना के पोर्श कंपनी को देगी, जिससे पोर्श अपनी इलेक्ट्रो व्हीकल कार्स बनाएगी। और यह माना जाता है कि रिमेक कंपनी का यह एक सबसे बड़ा और सक्षम कदम होगा इलेक्ट्रो व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में। और आने वाले समय में पोर्श और यह रिमेक कंपनी साथ की साझेदारी के साथ मिलकर अपनी इलेक्ट्रो व्हीकल कार्स बनाएंगी, जो आपको थोड़े टाइम के बाद भारतीय बाजारों में भी चलती हुई दिखेगी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। तो दूसरी खबर आ रही है BMW की तरफ से। BMW अपनी 630D जल्द ही भारतीय बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है और यह गाड़ी आपको दो वेरिएंट में मिलने वाली है। पहला है आपका लग्जरी लाइन और दूसरा है आपका एम स्पोर्ट्स। और दोस्तों, यह गाड़ी 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजिन के साथ 265 हॉर्स पावर के साथ 620 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा और साथ ही यह गाड़ी में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आने वाला है। और सेफ्टी के हिसाब से इस गाड़ी में होंगे 6 एयरबैग्स, ABS विथ ब्रेक असिस्ट और स्टेबिलिटी एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक और हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी होंगे इस गाड़ी में। और इस गाड़ी के पहले वेरिएंट यानी कि लग्जरी लाइन की प्राइस होगी 66.50 लैक्स एक्स शोरूम और एम स्पोर्ट्स की प्राइसिंग रहेगी 73.70 लैक्स एक्स शोरूम। तो चलिए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है मित्सुबिशी की तरफ से। तो मित्सुबिशी ने एक और SUV अपने भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है आउटलैंडर। यह गाड़ी केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट में होगी, जो कि आपका होगा टॉप एंड वेरिएंट, यानी कि एक ही वेरिएंट में कंपनी ने बेस मॉडल से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक की सारी सुविधा आपको एक ही कार में दे दी है। और इस गाड़ी में आपको 2.4 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 167 हॉर्स पावर और 222 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा यह इंजन। और यह गाड़ी में 6 स्टेप सीवीटी ट्रांसमिशन होगा, जो कि आपकी गाड़ियों की चारों व्हील को पावर देगा। और यह ब्रांड प्लग इन हाइब्रिड और आउटलैंडर PHEV टेक्नोलॉजी के साथ कंसीडर किया जाता है। और यह गाड़ी की प्राइसिंग होगी 31.54 लैक्स एक्स शोरूम। और इस 7 सीटर कार के सेकंड और थर्ड रो को आप फोल्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा लगेज स्पेस भी बना सकेंगे। और इस गाड़ी में बहुत सारी अच्छी अच्छी सिस्टम होंगी, जैसे कि है ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक पार्किंग, पैडल शिफ्टर्स भी होंगे इस गाड़ी में, लेदर सीट के साथ ड्यूअल टोन भी होंगे इस गाड़ी का इंटीरियर में और ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी होगा। 6.1 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आपको इस गाड़ी में 710 वॉट रॉक फोल्ड
फॉस गेट साउंड सिस्टम की साउंड सिस्टम भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है ऑडी की तरफ से। तो ऑडी अपनी Q5 का पेट्रोल वेरिएंट जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च करने का इरादा जता रहा है। ऑडी ने कहा कि वो अपनी Q5 पेट्रोल 28 जून या उसके आसपास भी गाड़ी को लॉन्च कर सकता है। यह गाड़ी 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ होगी, जो कि होगा टर्बो चार्ज, और यह इंजन 252 हॉर्स पावर के साथ 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और दोस्तों, यह इंजन में आपको 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज में तो जो कि डीजल वेरिएंट में है, वही फैसिलिटीज आपको पेट्रोल वेरिएंट में भी दी जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं आज के ऑटो न्यूज की आखिरी खबर की ओर। तो आखिरी खबर आ रही है KTM की तरफ से। KTM ने अपने RC200 में अब एक नया कलर वेरिएंट यानी कि ब्लैक कलर वेरिएंट भी शामिल किया है, और जल्द ही वो कलर लॉन्च होने वाला है। और इस नए कलर की वजह से बाइक के प्राइसिंग में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। बाइक आज भी 1.77 लैक्स के प्राइसिंग के साथ ही आपको मिलेगी, जो कि होगा एक्स शोरूम। और इसके साथ अब सिर्फ RC390 ही रह गया है, जो कि आपको सिर्फ एक कलर के वेरिएंट में ही मिल सकता है। और अभी उसके बारे में भी सोच विचार चल रहा है कि उसका भी एक शायद नया वेरिएंट यानी कि कलर वेरिएंट आ सकता है। और यह बाइक में आपको 200 सीसी का पेट्रोल इंजन सिंगल सिलेंडर के साथ ऑयल कूल्ड फैसिलिटी के साथ मिलने जा रहा है, जो कि 25.8 हॉर्स पावर के साथ आपको 19.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगा। और यह बाइक में अब नए ग्लॉसी ब्लैक बॉडी, ऑरेंज व्हील्स और ट्रेलिस फ्रेम होंगी, जो कि पुराने जैसा ही होगा, सिर्फ नया कलर टोन होगा। तो दोस्तों, आज के ऑटो न्यूज़ में बस इतना ही। अगर ये ऑटो न्यूज़ आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मैं ऑटो न्यूज़ से रिलेटेड और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नए नए न्यूज़ और वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।